जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन गवर्नमेंट प्रिपरेशन ऐप पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिमाचल प्रदेश टैट आर्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। पहला सवाल लेकर आ रहा हूं मैं, ज्यादा समय नहीं मतलब आपका लूंगा। पहला सवाल है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे हैं द प्लांट्स दैट कैप्चर्स इंसेक्ट्स फॉर इट्स प्रे, अमरबल, गुड़हल या पिक्चर प्लांट या गुलाब रोज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड, पिक्चर प्लांट्स। ये इसका आंसर रहेगा, पिक्चर प्लांट जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप। तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट इन क्वेश्चंस को करके जाइएगा। अगला सवाल है, यांग्त्सी नदी किस देश में बहती है। यांग्त्सी रिवर फ्लोज थ्रू इंडिया, पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना। तो इसके नाम में ही यांग्त्सी लगा हुआ है, तो ये चाइना से जुड़ा हुआ है। नाम में थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये नाम ही उस तरीके से है इस क्वेश्चंस के। अगला सवाल, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। When did the protection of the woman from the domestic violence act come into the face in India 2003, 5, 6 and 7। तो मैं आपको बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2006। ये आर्ट्स वाले फटाफट इन क्वेश्चंस को करके जरूर जाइएगा, एक बार जरूर देखिएगा इन क्वेश्चंस को। अगला सवाल, इंदिरा बिंदु भारत के किस भाग में स्थित है, यानी कि इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन इंडिया, नॉर्थन पार्ट, साउथर्न पार्ट, वेस्टर्न या ईस्टर्न। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा बच्चों याद रखिएगा साउथर्न पार्ट, दक्षिणी भाग में जो है वो इंदिरा पॉइंट जो है वो लोकेटेड है। अगला सवाल, चिल्का झील यानी कि चिल्का लेक इज लोकेटेड इन इंडिया एट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड तमिलनाडु इज द ऑप्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ओडिशा। और मैं बता देता हूं इंडियन नेवी का जो यहीं पर जो है चिल्का में ही, ये खारे पानी की भी बहुत बड़ी झील है और ये यहीं पे इंडियन नेवी का जो है वो प्रैक्टिस भी यहीं पे करवाई जाती है। अगला सवाल, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये कहां पर स्थित है। वेयर इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडिया, ऑन पिटी आइलैंड, कवारती आइलैंड, लक्षद्वीप या बारेन। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका, याद रखिएगा सभी को, बारेन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का क्या नाम है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नर्मदा रिवर, नमामि गंगे, तापी जल संरक्षण योजना, नदी जल संरक्षण योजना या नमामि देवी नर्मदे। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो रखी गई है नर्मदा नदी को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई है, उसका नाम है नमामि देवी नर्मदे। करेक्ट आंसर रहेगा। मैं बता देता हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चों, ये बहुत बार पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स में, यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक बार जरूर ट्राई करिएगा इन क्वेश्चंस को। फ्रीडम
फ्रॉम फायर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, सॉरी फियर, लेखक कौन है इसके? फ्रीडम फॉर फियर के लेखक, बुक किसने लिखी है, ऑथर का नाम बताना है, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सभी अपना अपना आंसर जो है वो साथ में देते रहिएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है बी ऑप्शन, आंग सान सू की, बहुत ही इनकी प्रचलित बुक रही है। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की बात कर रहे हैं, महासभा ने कब स्वीकृत और घोषित किया था? When did the General Assembly of the United Nations adopt and the production of the Universal Declaration of Human Rights? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे भी मनाया जाता है। वैसे ही तो मेरा आंसर जो है वो साथ में ही आ गया है, 10 दिसंबर 1948 को जो है वो ह्यूमन राइट डेज मनाते हैं। तो यही आंसर था इसका, मानव अधिकार दिवस। तो ये हमारे लिए जो है 10 दिसंबर 1948 से जो है ये घोषित किया गया था। अगला सवाल, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है इसके मेन रहे हैं और याद रखिएगा उत्तराखंड से ये जुड़ा हुआ है। चिपको मूवमेंट स्टार्ट्स एट व्हाट टाइम? तो दैट इज 1973। तो 1973 इज द करेक्ट आंसर। चिपको आंदोलन जो है 1973 में किससे जुड़ा था? तो सुंदर लाल बहुगुणा, बहुगुणा लगभग इसी हिसाब से होगा। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, ध्यान से देखिएगा इनको। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो है वो कहां पर किस नदी पर बनाया गया है, मैं आपको बता देता हूं। ये अभी उद्घाटन हुआ है और ये जो बांध है ये गुजरात में है। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। और साथ में ही याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है यहीं पे इसी नदी के किनारे पर जो है वो मूर्ति बनाई गई है और ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट, कांग्रेस सरकार ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया था? बहुत बार पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। विच इलेक्शन डिड द कांग्रेस पार्टी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया? 1977, 71, 89, 2004। करेक्ट आंसर रहेगा 1971 में इन्होंने जो कांग्रेस थे उन्होंने अपने आप को यानी कि आने का चुनावों में या सरकार बनाने के लिए जो भारत में जो है इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा बनाया था तो उससे ये जो है वो सरकार बना पाए थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1948, 51, 53, 50। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1951 से लेकर 52 तक, 1951 से 52 तक चले थे। ये मैं बता देता हूं आपको, ये सबसे लंबे समय तक चलने वाले पहली बार जो है वो ये इलेक्शन हुए थे। अगला सवाल, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? When was the election commission formed in India? 1951, 1950, 53 and 49। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है जनवरी 1950। अगला सवाल, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा है? द फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु सेड दिस? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है डी ऑप्शन,
सभी को मैं बोलूंगा फटाफट नोट कर लीजिएगा। पेपर में जाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एचबी टैट वाले तो फटाफट नोट करिएगा। जब भारतीय संविधान बना उस समय मतदाता बनने के लिए आयु सीमा क्या थी? जब संविधान बना था यानी कि 1948 के आस पड़ोस की बात है, 1921, 18 या 17 साल, अब आपके हिसाब से क्या हो थी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 21 साल जो है वो हमारी आयु सीमा रखी गई थी, अब 18 साल है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? व्हाट वाज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज द सीजन टू चेंज, रोटेशन, रेवोल्यूशन, ग्रेविटेशनल या नन ऑफ दीज? तो क्या आंसर रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा वो है रेवोल्यूशन, परिक्रमण यानी कि पृथ्वी का घूमना। अगला सवाल, टूकान क्या है? पक्षी का नाम है या पशु है, सब्जी है, फल है यानी कि फ्रूट? क्या आंसर रहेगा? तो करेक्ट आंसर रहेगा ये टूकान एक पक्षी का नाम है, सभी याद रखिएगा टूकान क्या है, एक पक्षी का नाम है। अगला सवाल चलते हैं, वुड्स डिस्पैच या वुड नीति पत्र किस प्रकार का दस्तावेज है? व्हाट काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट वाज वुड्स डिस्पैच और द वुड्स पॉलिसी पेपर? भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बारे में, भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति के रूप रेखा है, या भारत में कानून शासन को लागू करने की रूपरेखा है, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं, ये है भारत में लागू की जाने वाली नई शिक्षा रूप की नीति जो है, क्योंकि आपको पता है अभी भी हमारा शिक्षा का जो लेवल है वो चेंज हो चुका है, यानी कि उसकी नीति अब फिर से बदलाव आया है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। कर्क रेखा इनमें से कौन से भारतीय प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पहले उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश भी था, ऑप्शन तो बहुत है पर करेक्ट आंसर रहेगा जो है उत्तर प्रदेश। तो कर्क रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती नहीं है। तो ये थे आपके आज के सवाल जो कि हमारे टैट के सवाल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मुझे लगा कि आपको मैं पेपर से पहले बता देता हूं कि ये आप नोट कर लेंगे। तो बने रहिएगा इसी चैनल पर, विजयपथ गवर्नमेंट प्रिपरेशन ऐप पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।